अकोला शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बेरोक टोक चल रही है, जिसके कारण शहर के अन्य इलाकों में भी कोरोना प्रवेश कर रहा है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी और आयुक्त ने प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। अकोला शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। शहर का बैतपुरा परिसर कोरोना का हॉटस्पॉट साबित हुआ है, जिसे सबसे पहले कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, जिसके कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दो दिन पहले ही सिटी न्यूज द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया था, जिसकी गंभीरता से दखल जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर और मनपा आयुक्त संजय कापड़निस ने ली है। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बैतपुरा एवं खैर मोहम्मद प्लाट के कंटेनमेंट एरिया का जायजा लिया, जहां उन्हें बंदोबस्त को लेकर बड़ी खामियां नजर आई। पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति में नागरिकों का आना जाना नजर आया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देकर किसी भी नागरिक को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर नहीं निकलने देने के निर्देश दिए। प्रतिबंधित क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को शहर के अन्य क्षेत्रों में जाने की सहूलियत नहीं है, फिर भी कंटेनमेंट परिसर के नागरिक पुलिस की ड्यूटी रहने के बाद भी विभिन्न काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। अकोला शहर में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां भी प्रतिबंध का पालन होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस का संक्रमण शहर के बचे हुए इलाकों में भी पहुंच रहा है। पुलिस की नाकाबंदी होने के बाद भी प्रतिबंधित क्षेत्रों से लोग बाहर निकलकर अपना काम करने के बाद वापस लौट रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। इस दौरान महानगर पालिका आरोग्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर भी उपस्थित थे। सिटी न्यूज़ के लिए यूसुफ शेख।